वेलकम टू माय चैनल सिंपल किचन रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन भुना मसाला। चिकन भुना मसाला बनाने के लिए हम इसमें इन सभी सामान को लेंगे, लाल मिर्च की पाउडर, खड़े मसाले, गरम मसाले, जीरा, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। एक नींबू लेंगे हम और एक फ्राई की हुई अनियन लेंगे और आधा किलो चिकन है हमारा, उसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसमें सारे मसाले को डाल देंगे। हल्दी आधा चम्मच, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर एक चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच जीरा पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और स्वाद के अनुसार नमक है। लहसुन अदरक का पेस्ट आप अगर लेना चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं, नहीं पसंद है तो नहीं डाल सकते हैं, मैं यहाँ नहीं ले रही हूँ। यहाँ हम नींबू को इसमें स्क्वीज़ कर देंगे और आधा चम्मच कूटा हुआ काली मिर्च लेंगे। बहुत ही झटपट ये पकने वाली रेसिपी है। इसमें प्याज, अनियन, फ्राई की हुई अनियन को हम अच्छे से हाथों से क्रश करके चिकन में ऐड कर देंगे। उसके बाद चिकन में इसमें हम एक चम्मच ऑयल भी डालेंगे। चिकन को अच्छे से इसमें हम मिला लेंगे। इसमें हम अच्छे से मिला के तुरंत पका सकते हैं या फिर इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। और सेम ऑयल में जिसमें हमने प्याज को फ्राई की थी वही ऑयल में सारे खड़े मसाले डाल देंगे। थोड़े से क्रैकल हो जाएंगे तो इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। इसमें सारे चिकन को हम ऐड कर देंगे। इसके बाद इसे हम 5 मिनट के लिए खुले में ही भून लेंगे। चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे आधा कप के बराबर और इसे हम स्लो फ्लेम में 10 मिनट के लिए पकने देंगे। बहुत ही मज़ेदार की बनती है ये रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी बनी है। देखिए मैंने 10 मिनट के बाद इसे इसकी ढक्कन हटा दी है। हमारा चिकन का जो पानी मैंने डाला था सारी खुश्क हो चुकी है। इसमें हम आधा चम्मच कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके इसमें मिला देंगे। हाथों से क्रश करके मिलाने से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, खाने में बहुत ही मज़े लगती है। इसे आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आपकी पसंद है, जैसा चाहें इसे खा सकते हैं। इसे हम 2 मिनट और भून लेंगे उसके बाद डिश आउट कर देंगे। देखिए हमारा लजीज चिकन तैयार है, चिकन भुना मसाला कितनी लजीज लग रही है। इसे हम डिश आउट करके थोड़े से हरा धनिया से इसे गार्निश कर देंगे। हमारे चैनल को अच्छे अच्छे रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हम इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लेकर ज़रूर आएंगे। शुक्रिया।